सीआईए को तफ्तीश दी है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वो तफ्तीश का पार्ट है, इस चीज के ऊपर मैं उचित नहीं समझूंगा कि इस चीज का मैं खुलासा करूं, वो बाद की बात है। वो चीज देख के कुछ नाम भी हैं, वो चीजें तफ्तीश का पार्ट है, तफ्तीश के बाद ही मैं डिस्क्लोज करूंगा। हाँ, मुकदमे में जिन आदमियों का नाम इसने लिया है उनके खिलाफ बाई नेम मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी जैसी कंप्लेंट आई है उसके आधार पर हुआ है और इसमें हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो जिसका नाम डाला हुआ है उसको बुलाया गया है, ये तफ्तीश का पार्ट है, जब भी कोई तथ्य सामने आएगा हम आपको बताएंगे। नहीं, अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये मुकदमा दर्ज हुआ है आज, मुकदमा दर्ज होने के बाद ही पहले तफ्तीश की जाएगी, तफ्तीश के बाद ही कोई सबूत गुजरता है या नहीं गुजरता है वो तफ्तीश का पार्ट है, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उसने जो शिकायत में है वो इस टाइम पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि तफ्तीश में मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा, तफ्तीश में वो बाधा बनती है। हाँ, उसने यही उसे आधार पे लगाया है कि किसी ने कोई मिलावट वगैरह खाने वगैरह में, इस तरह की चीज़ें बताई है कि खाने वगैरह में कोई चीज़ मिलावट वगैरह की गई है, उसी आधार पे ये मुकदमा हमने दर्ज किया। वो अभी तफ्तीश का बताऊंगा, डिस्क्लोज में मैं जो आपको बात कह रहा हूँ। अच्छा, किन्हीं लोगों से पूछताछ की गई? नहीं, इसके बाद आपसे मैंने बताया है, हमारी टीम सबसे पूछताछ करेगी, वहाँ हमारी टीम हमने भेजी हुई है, ऑलरेडी टीम गई हुई है और जो भी डिटेल इसमें इंक्वायरी हम करें। वो पहले तो जो भी है इस केस से संबंधित जो भी आदमी हैं, जिन जिन का उसने नाम दिखाया उन सबको बुलाएंगे और हम पूछताछ करेंगे। नहीं देखिए, ये बहुत नहीं, इस स्टेज के ऊपर किसी के बारे में भी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, चाहे साई हो कोई अन्य हो, ये तो तफ्तीश का पार्ट है, हमारे ऊपर हमारे कोई भी आदमी रडार पे नहीं है, ये तफ्तीश ही बताएगी इसमें कौन दो। हाँ, इसीलिए वो तो तफ्तीश में आएगा, तो रडार वाली बात ऐसी कोई नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ों हम देखेंगे। फिलहाल जो आदमी है, एक आदमी का नाम आया है इसमें बाई नेम, जो है एक आदमी का नाम आया है, जो भी और भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। हम पूछताछ के लिए टीम बुलाएगी उसको और आगामी कार्रवाई करेंगे। वो मैं तफ्तीश देखूंगा, मैं डिटेल में गया नहीं उस केस के बारे में, तफ्तीश के बाद जो भी होगा वो हम देखेंगे। प्लीज, एक चीज याद रखिए, सारी चीजें तफ्तीश का पार्ट होता है, डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।